तो नाजिन एक ही ड्रामे में दो तीन कैरेक्टर्स की आवाजें निकालना ये आसान बात तो नहीं है और फिर उसको प्रेजेंट करना बताना चल सके कि वो एक ही इंसान निकाल रहा है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। ऑफ द एयर दोबारा कीजिए। उसमें ये है कि जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो देखें आप ऐसे बात करेंगे तो ये तो गलत बात है, मैंने आपको देखा है कि आप बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स को बुला रहे हैं अपने शो में, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसे भी होना चाहिए कि दुनिया में जितना भी टैलेंट है अपने सामने लेके आए, ऐसी आवाजें मोस्टली कार्टून्स में होती। अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो तुम तो कमाल की बातें कर रहे हो। हाँ, तुम अच्छा टैलेंट सामने लेके आ रहे हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतने सारे डबिंग्स किए हैं आपने जी, मोस्ट आपको अपना किस पे प्राइड है कि मैंने ये डबिंग की थी और बहुत परफेक्ट गई थी वो? मुझे मोस्टली डबिंग ड्रामा, मुझे मोस्टली टर्किश ड्रामाज में मेन रोल मिलता है। अच्छा, तो जैसे कैथरीन चल रहा था उसमें भी मेन हीरोइन थी, तो वो मलिका थी। ओ, अच्छा। फिर आजकल चल रहा है आतिश इश्क, उसमें जो मेन हीरोइन है मेरा सुल्तान के जो हीरो है उनकी ही हीरोइन है, जो असल वाइफ में भी उनकी वो है, असल लाइफ में उनकी वाइफ है, तो उसपे मेरा वोकल है। डिफरेंट वोकल्स होते हैं जो मुझे फरमाइश चाहिए, क्योंकि मल्टीपल हो रही होती है तो मुझे हीरो का नाम भूल गया, लेकिन मैं वैसे उसका असल हीरो ये है। ओह माय गॉड, आपको नहीं, जैसे को हम समझ गए थे, वो ये हुआ था कि वो कुछ ट्रेजरीज हो गई और वो चला गया उसका जो हीरो था, अब वो आया और वो जेल में है, तो वो कहती है एक्सप्रेशंस के साथ, जैसी तुम कहां चले गए थे, मैंने दिन रात तुम्हारे लिए एक कर दिए, मैंने अकेले तन्हा रहकर अपने बच्चों की परवरिश की, तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया मेरा, तुम कहां चले गए थे। काशा क्या है आप? आपको लगता है पावर हाउस है? पावर हाउस नहीं, मुझे आपकी शक्ल देख के हंसी आ रही थी। तो आप हमें थोड़ा एक्ट करके दिखाएंगे, कोई भी डायलॉग बोल दीजिए, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, जो आपको लगता है। मेरा तो मशहूर है टिकटॉक पे, फिटे मुँह चवल जान दे। अच्छा, या क्या आपका टैग लाइन आपकी बोलती है? यस, सही कंपटीशन चल रहा है। अगर तू किसी चाय का प्रॉब्लम रख ले पढ़ाई का। आप जिम्मे मैन चाय पे इनवाइट कीजिए सबको, क्योंकि सब आपके हाथ की चाय पीना चाहेंगे, क्योंकि आपने चैलेंज किया है नायला को। नायला कह रही मैं ज्यादा अच्छी चाय बनाती हूं, तो डिसाइड आप करेंगे। अच्छा ठीक है, नायला भी फिर आपको भी इनवाइट करना पड़ेगा। चाय आपकी तरफ से आएगी, एक चाय की प्याली हमारी तरफ से आएगी। डन, प्याली प्याली चलेगी, प्याली चलेगी, प्याली होती छोटी सी, वो अक्सर आप देखते हैं। छोटी नहीं, वड्डा मग्गल है। अच्छा, फिर आप मॉर्निंग शो ही करना है आपने। देखो मैं ते कोडू साहब ते राई साहब असि मर के कमेटियां पा पा के हुण निक्कियां निक्कियां गड्डियां लईयां, अरारे कोल सब तो वड्डी गड्डी जे भला क्यों? चुप रहो, दूसरे खुसरे ते लिफ्ट लांदे ने ना सुरखी, एदी किते नेरा सी भलेख जी अख च देखी मेरी अख दी लाली। मर्दों में भी आप देख लें तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। क्या 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 जिन्हें तो सोने है ना, हाँ। तो सिर्फ सुर्खी भी ला। एडा जवान खुसरा घसुन मार के वेल लैंदा ते ओ। मैं एक थां ते दही भल्ले खान गया ते मैं हजे भल्ले खा ही नहीं, ते दो हजरात तशरीफ लाए ते मैं क्या जी ठहर जो जरा मैं खा लवा, कहने दफा आप भी छोटा ते दिल भी छोटा है। निगाहे निगाहें मिला कर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕਾ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਗਾਂ ਪਾਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਗਾਂ ਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मतलब इसी एक बड़े पौधे पे इंडिया में एक ख्वाजा सरा जज बन गया जज बन गया तो मैं अगर यहाँ पे बने तो क्या करेंगे हाँ भी सब लोग बैठे हो मैं तो दस दिता बिल्कुल अगर इन्होंने तकरीर करने का मौजूद है मैं बिल्कुल आराम देने बैठ गए जिन जमीन ने उन जमीन मिलेंगे जिन्हें मकान ने उन मकान मिलेंगे किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो जो किसी घर काका होया हुकूमत मुफ्त नचेगी कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैं पेपर देने के लिए गई और मास्टर मुझ पे लाइन लाइन मारना शुरू कर दी मास्टर ने कहा चलो छोड़ो ये क्या करना है तो मैंने उन्हें कहा मैंने कहा मास्टर जी मैं तो अपना काम वर्क करने आई हूँ एट वर्क मैं तो हर टाइम यही सोचती हूँ कि मैं कब कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ूँ तो मेरे मास्टर को कहते नहीं नहीं तुम डोंट यू वरी अबाउट दैट आप ये करो जो मैं आपको मैं बता रहा हूँ तो थिंकिंग भी बहुत बहुत स्मॉल था उस टाइम मैं यही सोच रही थी कि यार ठीक है पास हो जाएंगी इस तरह करके मैं पास हो जाएंगी पर जब मास्टर साहब ने मुझे कुछ ज्यादा बातें बता दी तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने मास्टर साहब को अब मैं क्या कहूँ ये तो मुझे लव सीन में आ रहे हैं लव सीन में आ रहे हैं तो एक दफा आई रियली शॉक दैट कि मैं अपने फेस को एक दफा एक ग्रूमिंग तरफ पिलो लगा हुआ था वहां देख रही थी कि यार अल्लाह मैं क्या सीन कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे अपना काम करने आई हूँ तो ये तो मास्टर साहब तो इश्क मिशुकी में चढ़ गई आम बंदा से लड़ता ना तो उन्होंने कही नसीना खलोदा थे इन्होंने लड़ाई हो लड़ाई अजीब जी होंगी खबरदार जे मेनू हाथ लाया जे मेनू हाथ लाया ते वेलकम बादशाह तू बुलाए थे गवर्नमेंट क्यों सुन रहे थे क्यों क्योंकि तेरा भी इलाज होया ए मेरे बादशाह मामू ने ना बादशाह सलामो सानू दसी ही नहीं तुसी ऐ जे मेरे नाल बैठे ने ऐ मेरे चाचा सत भाई ने शेखर चाचा दे भाई ने और बड़े मेहनती ने बाट साहब है अच्छा नहीं नहीं साड़ी तो लड़ाई एक अजीब किस्म दी होंदी है जी चल रे बच्चा कड़े तरा चल जान तू उमर चाम अपना मेरा दादा गुरु है बड़ी बड़ी फिरनी है तू मेरिया दावत वेख ऐ देख लो मेरा दादा गुरु लगदा वैसे मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पूछना चाहता हूं इफ यू वेक अप एज शेख ऋषि मैं कोई भी बन के उठूं तो मैं सबसे पहले शीशा देखूं शीशा देखेंगी शीशा मैं एज राफील भी सबसे पहले उठ के शीशा देखती हूं राफील बन के और एज शेख रशीद भी के शीशा देखने इट मेक्स सेंस पर शेख रशीद बन के उठिए तो शीशा देखेंगे क्या करेंगे मेरा मेरे बेडरूम में इस तरफ भी शीशा इस तरफ भी शीशा इस तरफ भी शीशा तो मैं जैसे ही उठती हूँ तो सबसे पहले मैं शीशा देखती हूँ फिर आप भी करेंगे हाय मम्मी नहीं अब आप बन गई ना तो शीशा तब देखेंगे तो फॉर यू विल रियलाइज कि नाउ यू आर शेख रशीद अब क्या करें आप उठी और आपने फील किया मैं शेख रशीद बन गई मैं कोई शेर और शायरी करूंगी फिर शेख रशीद बन गए बहुत मासूम है कोई बैंक अकाउंट चेक करे वहां से राफील के अकाउंट पहले ट्रांसफर करे कोई यार को बड़ा काम गिरे आपने मुझे उनकी कुछ शेर और शायरी बहुत पसंद है उससे बेहतर है कोई कुकर सुबह देसी कुकर शुकर खा के वो बेहतर ऑप्शन है